Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Rajya Mantri Dinesh Khatik ek baar fir se charcha mein aa gaye hain. Gram Laliana ke purv pradhanpati Shahnawaz ne aaj SP Dehat se milkar aarop lagaya ki unki kareeb 30-35 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। गैंगस्टर मनोज बाबा गैंग के गुर्गे खादर पहुंचकर उसकी फसल व जमीन कब्जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। शाहनवाज ने आरोप लगाया कि ये बदमाश स्वयं को राज्य मंत्री का आदमी बताते हुए रौब गालिब कर रहे हैं। इस पर SP देहात ने जाँच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। SSP ऑफिस पहुंचे शाहनवाज ने SP देहात अनिरुद्ध से मिलने के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। शाहनवाज और प्रधानपति ग्राम लल्याना से हूँ। मेरी खादर में करीब 35-40 एकड़ ज़मीन है जो कि मेरे परिवार के नाम है। मेरे बसों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जो कि दिल्ली व पंजाब हरियाणा में चलती हैं बसें ऑल इंडिया में। तो करीब 1.5 साल से मेरी मनोज गैंगस्टर बाबा से जो है जबरन उगाही व लूट मार के मामले में मैंने उनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ लूट की धाराओं में संगीन धाराओं में गैंगस्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया था। हरियाणा सरकार ने मेरी बहुत हेल्प की है कि उस गुंडे माफिया का इलाज तत्कालीन 2 साल से उसको ना घर पर रुकने दिया है और उसने पूरी ताकत लगा ली, मुझ पर मुकदमे 10 लगवा दिए जगह जगह फैसला कराने के कंप्रोमाइज से। मैं उसके आगे झुका नहीं हूँ और इसमें हरियाणा DGP साहब ने हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें इनाम घोषित किया। मेरठ में क्या दिक्कत था? मेरठ में मेरी चांदपुर खादर में ज़मीन है, थाना किठौर के अंतर्गत आती है, जिसमें कुछ भू माफिया चांदपुर में जाके मेरी पर करीब 15 साल से मैं इस ज़मीन को बोझोत रहा हूँ। अब एकदम अचानक मेरी ज़मीन पे कब्जा करने को लगे हैं उस भू माफिया वो गैंगस्टर मनोज बाबा के द्वारा। तो यहाँ उनका जो राज्य मंत्री यहाँ के हैं उनका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट? वो जो लोग कब्जा करने आते हैं वो अपने आप को यही बताते हैं, हम राज्य मंत्री दिनेश खटीक के आदमी हैं, दिनेश खटीक के आदमी है। बार बार मेरे ऊपर पुलिस का और वहाँ जो लोकल की पुलिस है उनका भी मेरे ऊपर दबाव है। आज आप इसके लिहाज से मिलने आए हैं तो क्या लग रहा है आपको कार्रवाई होगी? मुझे पूरी उम्मीद है SP साहब से मिल के कार्रवाई होने की, आश्वासन दिया SP साहब ने, कार्रवाई निष्पक्ष कराई जाएगी बिल्कुल। उधर SP देहात अनिरुद्ध सिंह ने इस प्रकरण पर यह कहा। आज एक प्रार्थना पत्र मिला है, थाना किठौर से जुड़े हुए हैं शाहनवाज, ललियाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि कुछ लोग इनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जांच करके जैसा भी उचित होगा उस तरीके से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।